Mala rose to her feet, adjusting the end of her sari over her head and folding it to her chest, and for the first time since her arrival, I felt sympathy. अब माला एकदम से खड़ी हो गई, उसने जो है अपनी साड़ी का जो पल्लू था उसके सिर पे रखा हुआ उसे बिल्कुल ठीक ठाक करके उसने अपने जैसे चेस्ट के आगे पकड़े रहते पल्लू वैसे पकड़ा, और पहली बार जो है जब से वो आई थी मुझे उसके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति हुई। आई रिमेम्बर माई फर्स्ट डेज इन लंडन, लर्निंग हाउ टू टेक द ट्यूब टू रूसेल स्क्वायर, राइडिंग एन एस्केलेटर फॉर द फर्स्ट टाइम, बीइंग अनएबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन द मैन क्राइड पाइपर इट मींस पेपर, बीइंग अनएबल टू डेसिफर फॉर द होल ईयर that the conductor said, mind the gap, as the train pulled away from each station. अब मुझे याद आ रहा था उन लंदन के वो दिन जब शुरुआत में मैं लंदन में आया था तो किस तरह से मैं सीख रहा था कि ट्यूब को रसल स्क्वायर लेके जाना है, एक एस्केलेटर पे पहली बार कैसे चढ़ना है, या ये समझ में नहीं आ रहा कि जब कोई आदमी चिल्ला रहा है पाइपर तो उसका मतलब होता है पेपर। मैं उसको जो है जैसे समझ ही नहीं पाया, पूरे साल भर तक मुझे सीखने में टाइम लगा। या कंडक्टर कहता था अरे माइंड द गैप, जब ट्रेन जो है स्टेशन से चलने लगती थी हर स्टेशन पे जब चलती तो वो कहते थे माइंड द गैप। लाइक मी माला हैड ट्रेवल्ड फार फ्रॉम होम, मेरी तरह से माला भी जो है अपने घर से बहुत दूर आई थी, नॉट नोइंग वेयर शी वाज गोइंग और व्हाट शी वुड फाइंड फॉर नो रीजन अदर देन टू बी माय वाइफ। उसे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है, वहाँ क्या मिलेगा, सिर्फ उसे इतना पता था कि वो उनकी वाइफ है, उनके पास जा रही है। एज स्ट्रेंज एज इट सीम्स, आई न्यू इन माय हार्ट दैट वन डे हर डेथ would affect me, and stranger still, that mine would affect her. जितनी वो अजनबी दिखती थी पर मुझे दिल में ऐसा लगता था कि एक दिन ऐसा होगा अगर उसको कुछ हो गया तो शायद उसका मुझे बुरा लगेगा, और सेम वे जिस तरह से मैं उसके लिए अजनबी हूँ अगर एक दिन मुझे कुछ हो गया तो उसे बुरा लगेगा। I wanted somehow to explain this to Mrs. Croft, who was still scrutinizing Mala from top to toe with what seemed to be placid disdain. मैं ये बात किसी तरह से मिसेस क्रॉफ्ट को समझाना चाह रहा था जो अभी भी माला को बिल्कुल सिर से लेके पैर तक देखे जा रही थी और जिसे हमको जो है ना उसके प्रति कोई बहुत ज्यादा अभी रेस्पेक्ट नहीं हो रही थी। आई वंडर्ड इफ मिसेस क्रॉफ्ट हैड एवर सीन अ वुमन इन अ साड़ी विद अ डॉट पेंटेड ऑन हर फोरहेड एंड ब्रेसलेट स्टार्ड ऑन हर रिस्ट। अब मैं यही सोच रहा था कि मिसेस क्रॉफ्ट ने शायद आज से पहले कभी ऐसी लेडी नहीं देखी होगी जो साड़ी पहनती हो, या उसके माथे पे बिंदी लगी हो, या उसके हाथों में बहुत सारी चूड़ियां हो। आई वंडर्ड व्हाट शी वुड ऑब्जेक्ट टू, अब मुझे ये नहीं समझ आया था किस बात पे पॉइंट करेंगी। आई वंडर्ड इफ शी कुड सी द रेड डाई स्टिल विविड ऑन माला'स फीट बट ऑल ऑब्स्क्योर्ड बाय द बॉटम एज ऑफ हर साड़ी। मेरे को ये भी लगा था कहीं उनकी निगाह जो है माला के पैरों में जो आलता लगा है उस पे ना पड़ जाए, क्योंकि पर अच्छा ये था कि वो जो है उसका जो फीस थे वो साड़ी से ढके हुए थे। एट लास्ट मिसेस क्रॉफ्ट डिक्लेयर्ड द इक्वल मेजर ऑफ डिसबिलीफ एंड डिलाइट, आई न्यू वेल शी इज अ परफेक्ट लेडी। फाइनली मिसेस क्रॉफ्ट ने जो है अब जब उनको विश्वास नहीं होता हमें जैसे कहना चाहिए हम उनकी बात पे विश्वास नहीं कर पाते, पर उन्होंने जो है बड़े खुश होकर उस अंदाज में कहा कि ये एक बिल्कुल परफेक्ट लेडी है। नाउ इट वॉज आई हू लॉर्ड, अब मेरी बारी थी, मैं जोर से हंसा। आई डिड सो क्वाइटली एंड मिसेस क्रॉफ्ट डिड नॉट हियर मी, पर मैं जो हंसा वो इतना धीमे हंसा कि मिसेस क्रॉफ्ट मुझे सुन नहीं पाई। बट माला हैड हर्ड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम वी लुक ईच अदर एंड स्माइल, पर माला ने उसको सुन लिया और पहली बार ऐसा हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए थे। आई लाइक टू थिंक ऑफ दैट मोमेंट इन मिसेस क्रॉफ्ट पार्लर एज द मोमेंट व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन माला एंड मी बिगेन टू लेसन। अब मैं जो हूँ उस क्षण को सोच रहा था कि मिसेस क्रॉफ्ट का जो पार्लर था उस समय एक ऐसा क्षण आया था जब माला और मेरे बीच का जो एक दूरी थी वो थोड़ी सी कम हो रही थी। Although we were not yet fully in love, I like to think of the months that followed as a honeymoon of sorts. हालांकि हम दोनों के बीच में एक तरह से पूरी तरह प्यार तो नहीं था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आने वाले महीने जो हैं हम लोगों के लिए एक तरह से हनीमून ही होंगे। Together we explored the city and met other Bengalis, some of whom are still friends today. फिर हम दोनों मिलकर जो है शहर को घूमा हम लोगों ने और कई बंगाली से भी मिले जिनमें से कुछ जो है आज भी मेरे दोस्त हैं। We discovered that a man named Bill sold fresh fish on the Prospect Street and that a shop in the Harvard Square called Cardillo sold Baileys and clothes. अब हमने ये ढूंढ लिया था कि एक आदमी बिल नाम का जो है बिल्कुल फ्रेश फिश को बेच रहा था प्रॉस्पेक्ट स्ट्रीट पे, और एक शॉप थी हार्वर्ड स्क्वायर में जिसको कि कार्डिलोस कहते थे, वो जो है बेक लीव और क्लोज बेचा था, यानी करीब जो तेज पत्ता और लॉन्ग होता है वो बेच रहे थे।
In the evenings, we walked to the Charles River to watch sailboats drift across the water or had ice cream cone in the Harvard Yard. शाम के वक्त क्या होता था, हम लोग चार्ल्स नदी के किनारे घूमते थे ताकि वहां से हमें जो पानी में बोट तैर रही है उनको देखें, या फिर हम लोग जो है आइसक्रीम कोन खाते थे हार्वर्ड यार्ड में। वी बॉट एन इंस्टामैटिक कैमरा विद विच टू डॉक्यूमेंट अवर लाइफ टुगेदर एंड आई टुक पिक्चर्स ऑफ हर पोजिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रूडेंशियल बिल्डिंग सो दैट शी कुड सेंड देम टू हर पेरेंट्स। हम लोगों ने जो है एक इंस्टामैटिक कैमरा खरीद लिया था जिससे जो है हम अपनी जो लाइफ गुजार रहे हैं उसकी एक पिक्चर को खींच सके, और फिर मैं जो हूँ उसकी पिक्चर ली, मैंने उसकी पिक्चर जो है कुछ प्रूडेंशियल बिल्डिंग के सामने उसने पोस्ट किया, हमने वहाँ पिक्चर्स ली ताकि वो जो है अपने पेरेंट्स को उनको भेज सके। एट नाइट वी किस शाय एट फर्स्ट बट क्विकली बोल्ड एंड डिस्कवर्ड प्लेजर एंड सोलेस इनटू ईच अदर्स आर्म। रात में जो है हम लोगों ने एक दूसरे को किस किया, शुरू में तो हम लोगों को थोड़ा सा एक दूसरे के से शर्म सी फील हुई, फिर बाद में हम लोगों को अच्छा लगा और हम लोग जो है एक दूसरे को हम लोगों ने एम्ब्रेस कर लिया। आई टोल्ड हर अबाउट माय वॉयज ऑन द एसएस रोमा एंड अबाउट क्विंसबरी पार्क एंड द YMCA एंड माय इवनिंग्स ऑन द बेंच विद मिसेस क्रॉफ्ट। फिर मैंने जो है उसको अपने सफर के बारे में बताया, पहला जो एसएस रोमा में हुआ था इटालियन कार्गो जो वेसल था उसमें जो सफर किया मैंने, फिर मैंने उसको क्विंसबरी पार्क के बारे में बताया, YMCA के बारे में बताया, और फिर अपनी उन शामों के बारे में बताया जो मिसेस क्रॉफ्ट के साथ बेंच पर मैंने बिताई थी। When I told her stories about my mother, she wept. जब मैंने उसे अपनी मदर की स्टोरीज को बताया तो वो जो है रोने लग गई। It was Mala who consoled me when reading the Globe one evening. I came across Mrs. Croft's obituary. माला जो थी उसी ने मेरे को ढांढस बंधाया जब एक दिन शाम को मैंने ग्लोब जो अखबार था उसमें मिसेस क्रॉफ्ट की डेथ के बारे में पढ़ा। I had not thought of her in several months. By then, those 6 weeks of the summer were already a remote interlude in my past. कई महीनों से मैंने जो है उनके बारे में नहीं सोचा था, जैसे कहना चाहिए समर के वो जो 6 हफ्ते थे जब से वो गुजर गए थे वो एक तरह से पास्ट हो गए थे मेरे लिए, और मैंने कई महीनों से उनके बारे में कुछ सोचा भी नहीं था। बट व्हेन आई लर्न्ड ऑफ हर डेथ आई वाज स्ट्रिकन सो मच दैट व्हेन माला लुक्ड अप फ्रॉम हर निटिंग शी फाउंड मी स्टेयरिंग एट द वॉल द न्यूज़पेपर निग्लेक्टेड इन माय लैप अनएबल टू स्पीक। पर जब मैंने उनकी डेथ के बारे में सुना तो मुझे एक बहुत धक्का सा लगा, इतना कि माला जो है अपने बुनाई कर रही थी उसने मुझे उसमें से देखा कि मैं जो हूँ दीवार की तरफ घूर रहा हूँ, न्यूज़पेपर जो है वो नीचे की तरफ मेरे लैप पे पड़ा हुआ है और मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा। मिसेस क्रॉफ्ट वॉज द फर्स्ट डेथ आई मॉर्न्ड इन अमेरिका, फॉर हर्स वॉज द फर्स्ट लाइफ आई हैड एडमायर्ड। मिसेस क्रॉफ्ट जो है उनकी डेथ एक ऐसे पहली थी लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनके सामने अमेरिका में, और उसका उनको दुख था क्योंकि पहली बार हुआ था कि जिनकी जिंदगी को वो काफी एडमायर कर रहे थे। शी हैड लव्ड दिस वर्ल्ड एट लास्ट एंशिएंट एंड अलोन नेवर टू रिटर्न। फाइनली वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई दोबारा फिर कभी ना वापस आने के लिए। एज फॉर मी आई हैव नॉट स्टेड मच फादर माला एंड आई लिव इन अ टाउन अबाउट 20 माइल्स फ्रॉम बोस्टन ऑन अ ट्री लाइन स्ट्रीट मच लाइक मिसेस क्रॉफ्ट इन अ हाउस वी ओन विद अ गार्डन दैट सेव्स अस फ्रॉम बाइंग टोमेटोज इन समर एंड रूम फॉर गेस्ट। अब एक तरह से देखा जाए अब मेरी बात करें तो मैं और माला जो हैं अब एक टाउन में रहते हैं जो कि 20 माइल्स दूर है बोस्टन से, एक थ्री लाइन स्ट्रीट है जहाँ बिल्कुल घर जो है अब वो मेरा अपना है, जहाँ जैसा बिल्कुल मिसेस क्रॉफ्ट का था। उसमें एक गार्डन है जिसमें हम अपने टमाटर वगैरह उगाते हैं ताकि समर में हमें उन्हें बाहर से खरीदना ना पड़े, साथ ही साथ उसमें गेस्ट के लिए भी रूम है। वी आर अमेरिकन सिटीजन नाउ सो दैट वी कैन कलेक्ट सोशल सिक्योरिटी व्हेन इट इज टाइम। अब हम एक अमेरिकन नागरिक बन चुके हैं और जब हमें जरूरत हो तो हम जो है सोशल सिक्योरिटी को ले सकते हैं। दो वी विजिट कैलकटा एवरी फ्यू इयर्स एंड ब्रिंग बैक मोर ड्रेसिंग पजामास एंड डार्लिंग टी वी हैव डिसाइडेड टू ग्रो ओल्ड हियर। हम लोग अभी भी जो है कुछ सालों में कैलकटा जाते रहते हैं और वहां पर जब आते हैं तो कुछ सारे ऐसे ही पजामे लेके आते हैं और डार्लिंग की टी लेके आते हैं, पर हमने डिसाइड किया है कि हम यहीं पर ही रहेंगे। I work in a small college library. We have a son who attends Harvard University. मैं एक छोटी सी कॉलेज लाइब्रेरी में काम करता हूँ। मेरा एक लड़का है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। माला no longer drapes the end of her sari over her head or weeps at night for her parents, but occasionally she weeps for her son. अब माला जो है सिर के ऊपर पल्लू नहीं करती है या रात में नहीं रोती है अपने पेरेंट्स की याद में, पर हाँ कभी कदार वो अपने बच्चे के लिए रोने लगती है। So we drive to Cambridge to visit him
or bring him home for a weekend so that he can eat rice with us with his hands and speak in Bengali, things we sometimes worry he will no longer do after we die. तो इसलिए फिर क्या होता है, हम लोग कैम्ब्रिज जाते हैं उससे मिलने के लिए या उसको वीकेंड पर घर ले आते हैं ताकि वो जो है हम लोगों के साथ हाथ से जिस तरह से बंगालीज खाते हैं उस तरह से वो राइस खा सके, बंगाली भाषा में बात कर सके। वो हम लोग जो उसको कुछ ऐसी चीज़ें तो सिखाना चाहते हैं जिसका हमें डर है कि शायद हमारे बाद जो है वो इन चीज़ों को कभी नहीं करेगा।